कस्बी नगर विनायक धार मोटर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर के ग्रामीणों का अनशन जारी। गुस्सा एक ग्रामीणों ने कर्णप्रयाग विधायक अनिल नोटियाल को बैरंग लौटाया। सड़क की मांग को लेकर विनायक धार में आमरण अनशन कर रहे तीन आंदोलनकारी लगातार डटे हुए हैं। वहीं आमरण अनशन पर वार्ता को पहुंचे कर्णप्रयाग विधायक अनिल नोटियाल से ठोस आश्वासन न मिलने पर आंदोलनकारियों द्वारा उन्हें बैरंग लौटाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा कर्णप्रयाग विधायक से पूछा गया कि 2 साल होने के बाद भी निर्माण की फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ पाई है, जबकि राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर भराड़ी शहर में मुख्यमंत्री द्वारा जल्द सड़क निर्माण की बात कही गई थी। आंदोलनकारियों से हुई वार्ता में विधायक द्वारा लंबित सड़क के निर्माण पर समय लगने की बात कही गई, जिस पर ग्रामीण भड़क उठे। उन्होंने विधायक को बैरंग लौटा दिया, जबकि अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं 15 फरवरी को आंदोलनकारियों द्वारा मातृ शक्ति सम्मेलन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। इस मौके पर कुमाऊं मंडल के चौखुटिया विकासखंड के खोड़ा क्षेत्र थराली तलवाड़ी सहित गैरसैंण के जनप्रतिनिधि आंदोलन को समर्थन देने पहुँचे। इस मौके पर संघर्ष समिति अध्यक्ष हरेंद्र कंडारी, महिला मंगल दल अध्यक्ष धनपा देवी खनसर बधाण, मित्र मंडल अध्यक्ष सैन सिंह नेगी, ब्लॉक प्रधान संगठन अध्यक्ष पान सिंह नेगी आदि उपस्थित थे। छोटी माँ के चले जाएंगे और जो काम नहीं होगा फिर आप नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने की आदत मैंने बोला कि 2 किलोमीटर सड़क मैंने करी है, उसका जो आप मन निकाल रहे। दूसरी बात, इस सड़क के लिए मुख्य जो मेरा ध्यान था वो इस सड़क की तरफ, और ये टेफलोआ वाला पुल और ये आपका उसका मेरी बात हुई है अधिशासी जनता थे, उन्होंने उनका जो एस्टिमेट या सर्वे वगैरह होता है जो प्राइमरी स्टेज पे आप लोग करते हैं वो उन्होंने कर दिया है, तो फाइल आगे बढ़ेगी तो उसके बाद उसमें कितना पेड़ आता है क्या है वो आगे की बात। पुल का भी प्रस्ताव वहाँ गया हुआ है, अब शासन में क्योंकि अभी वित्तीय वर्ष मार्च के बाद शुरू होगा, या आप सब लोग जानते हैं, सब लोगों की जानकारी में होगा वित्तीय वर्ष मार्च के बाद शुरू होता है। मार्च के बाद हमारा प्रयास होगा कि जितने भी ज्यादा ज्यादा मैं कह रही सकता कितना हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी क्या होता है कि एक लिमिटेशन है, जैसे आप प्रधान क्षेत्र चाहे जिला पंचायत जो भी लोग होंगे उनको मालूम हो कि हर विभाग का बजट होता है और हर जो मेंबर होते हैं उनको बजट के हिसाब से धनराशि आवंटित की जाती है, तो जो भी धनराशि हमको मिलेगी तो जितनी भी उसमें संभव होगा, क्योंकि पूरी विधानसभा में उसी राशि से हमको काम करना पड़ता है। अभी आप बोल रहे थे तो पिछली बार भी हमने कुछ सर्वे का किया है, टीके दिया, और इस बार भी हम करेंगे बात के बाद। तो निश्चित रूप से ये जो तैसुआ वाला आपका पुल है जी, ये हमने भेजा हुआ है मुख्यमंत्री की जो हमसे एक बार 10 योजनाएं मांगी गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसमें भी मैंने ये पुल और एक लामबगर का पुल है और एक पुल और है वो कागज भी आपको दे सकता हूँ। सरकार होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, क्षेत्र विधायक होश में आओ, होश में तुम्हें आना होगा, हटाना सही नहीं चलेगी, अभी तो ये अगलाई है। माननीय मोदी जी, कुछ समय पहले आपने अपने भाषण में कहा था कि आप अंतिम छोर के लोगों के लिए बिगुल बजाते हैं। मैं आपका ध्यान अपने ग्राम लखन ब्लॉक गैरसैंण जिला चमोली उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आजादी से अमृत काल तक मेरे ग्राम लखन की अनदेखी हुई है, आज तक कोई भी सरकारी योजना का लाभ लखन को नहीं मिला। नतीजा यह है कि आज सारा गांव पलायन के कगार पर है। पलायन को रोकने के लिए मैंने कोशिश की और पीडब्ल्यूडी से सड़क के लिए संपर्क किया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया
कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने प्रस्तावित नहीं किया है। पिछले 3-4 सालों से विधायक, सांसद व मुख्यमंत्री जी से संपर्क व पत्र व्यवहार किया, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। यूपीसीएल ने गांव में बिजली पहुंचाने के लिए 80 लाख की डिमांड की। मैं आपका ध्यान आपके 28 अप्रैल 2018 को की गई घोषणा कि भारत के हरेक गांव में बिजली पहुंचा दी गई है कि और भी दिलाना चाहता हूं। जब कहीं से कोई रास्ता नहीं निकला तो चंद्रदत्त जोशी विनायक धार पर 5 फरवरी से अनशन पर बैठा है, परंतु प्रशासन इस पर भी अनदेखी कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में लखन से पिछड़ा हुआ कोई गांव होगा। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया हमारे लिए बिगुल बजाकर उचित निर्देश देने का कष्ट करें।